वालेकुम। मैं पहले भी आप लोगों के बीच में आ चुकी हूँ और मैं ये कहना चाहूंगी कि जहाँ मैं पहले जा चुकी हूँ वहां पर यह कथा अक्सर सुनाया करती हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती भी कि अक्सर वो कथा उस शहर का नाम उसमें फिट भी हो जाता है। बहुत मोहब्बतों से आप लोग सुन रहे हैं, एक बात कहने की कोशिश की, देखिए सुनेगा। अभी तक भी मऊ में है कई उर्दू के दीवाने, यहाँ ईमान वालों में हया है अब तलक बाकी। तबाही लाख हो लेकिन कयामत आ नहीं सकती, तबाही लाख हो लेकिन कयामत आ नहीं सकती। जमीन पर एक भी मोमिन रहेगा जब तलक बाकी। और देखिए बहुत आप लोग डर रहे हैं, मेंढक की बात बहुत हो रही है, तो मैंने एक बात कहने की कोशिश की है, सुनेगा कि खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है, अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है, अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है। और देखिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उर्दू जबान की, मैं कुछ भी नहीं हूँ, अगर उर्दू नहीं होती तो हया भी नहीं होती। मैंने एक बात कहने की कोशिश की कि लता की जिंदगानी को किसी ने तो हया बख्शी, लता की जिंदगानी को किसी ने तो हया बख्शी। मैं जिस पर नाज करती हूँ मेरी पहचान है उर्दू, इसी के दम से वाबस्ता मेरी इज्जत मेरी शोहरत, वो जिंदा है कहीं मुझ में कि मेरी जान है उर्दू, वो कि मेरी जान है उर्दू। एक कथा अपने नाम के मुतालिक आप तक पहुंचा रही हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा तारुफ कराऊं और उर्दू के मुतालिक कुछ को सुनेगा। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। बहुत अच्छे, मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है, मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़ खड़ाती है हया ने ही संभाला है, लता जब लड़ खड़ाती है हया ने ही संभाला है। और देखिए स्टेज से कई बातें, मैं भी नाम लिए बगैर सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जो पकड़ा जाए वो मुजरिम जरूरी तो नहीं है ना, जो पकड़ा जाए हो मुजरिम जरूरी तो नहीं है ना, वो दहशत गर्द बस मुस्लिम जरूरी तो नहीं है ना, जो पकड़ा जाए हो मुजरिम जरूरी तो नहीं है ना, जो दहशत गर्द हो मुस्लिम जरूरी तो नहीं है ना। अगर दिल हो बहुत मजबूत ताकत आ ही जाती है, अगर दिल हो बहुत मजबूत ताकत आ ही जाती है। करो कसरत के जाओ जिम जरूरी तो नहीं है ना, करो कसरत के जाओ जिम जरूरी तो नहीं है ना, करो कसरत के जाओ जिम जरूरी तो नहीं है ना। अरे कतौर आप तक पहुंचा रही हूँ, पकड़कर फिर किसी मासूम को तुम जेल कर देना, पकड़कर फिर किसी मासूम को तुम जेल कर देना, तुम्हारा काम है इंसाफ को भी खेल कर देना। बहुत आसान है बम फोड़ कर खुद को बचा लेना, बहुत आसान है बम फोड़ कर खुद को बचा लेना, कि मुस्लिम नाम रख कर एक फर्जी मेल कर देना, कि मुस्लिम नाम रख कर एक फर्जी मेल कर देना, कि मुस्लिम नाम रख कर एक फर्जी मेल कर देना। देखिए एक बात की बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हम लोग जो मुशायरा यहाँ पे तीन तीन चार चार बजे तक यहाँ पे चल रहा, लेकिन हम मुंबई से आया महाराष्ट्र में 11 बजे खत्म हो जाती है उर्दू की महफिलें। करता कोई है दहशत गर्दी का इल्जाम मुस्लिम पे आ जाता है, उर्दू जबान पे आ जाता है। मैंने एक छोटी सी नज्म कहने की कोशिश की, बहुत वक्त के बाद तीन तीन चार चार बजे के हमको मुशायरे नसीब होते हैं। कल नेहरू सेंटर में था, 11 बजे खत्म हो गया था मुशायरा। तो देखिए एक बात कहने की कोशिश की, सुनिएगा। कैलेंडर ही बदलते हो कभी किरदार भी बदलो, कैलेंडर ही बदलते हो कभी किरदार भी बदलो, गुज़श्ता साल के ख्वाजा सरा सालार भी बदलो। कैलेंडर ही बदलते हो कभी किरदार भी बदलो, गुज़श्ता साल के ख्वाजा सरा सालार भी बदलो। जो महंगाई नहीं रोके
ना कर पाए, किसी दल की भी हो ऐसी लचर सरकार को बदलो, किसी दल की भी हो ऐसी लचर सरकार को बदलो। और बदलने से भला तारीख क्या तकदीर बदली है, बदलने से भला तारीख क्या तकदीर बदली है, गुज़िश्ता वक्त ने बस उम्र की तनवीर बदली है। न जाने जश्न साले नौ का ये क्यों कर मनाते हैं, ये मगरिब के असर ने हिंद की तस्वीर बदली है, ये मगरिब के असर ने हिंद की तस्वीर बदली है। अब देखिए, अब मैं एक बात कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इधर इधर उर्दू की महफिल पर तो ये बंदिश लगाते हैं, इधर इधर उर्दू की महफिल पर तो ये बंदिश लगाते हैं, उधर मुन्नी को सारी रात होटल में नचाते हैं। इधर उर्दू की महफिल पर तो ये बंदिश लगाते हैं, उधर मुन्नी को सारी रात होटल में नचाते हैं। अदब को भी मुसलमान जान महफिल में पुलिस आए, उधर खुद बेहयाई से वो सब पीते पिलाते हैं, उधर खुद बेहयाई से वो सब पीते पिलाते हैं। तो जब हर मोड़ पर हर जात करप्शन ही करप्शन है, तो फिर बेकार है नारे, अजी बेकार अनशन है। फकत बिल पास होने से बुराई रुक नहीं सकती, फकत बिल पास होने से बुराई रुक नहीं सकती, मगर अल्हम्दुलिल्लाह या हया होना भी एक फन है। और अब देखिए, मैं इससे बढ़कर दावा नहीं कर सकती कि मेरी उर्दू जलेबी बाई तो हो ही नहीं सकती, मेरी उर्दू जलेबी बाई तो हो ही नहीं सकती, और शीला की जवानी में कभी खो ही नहीं सकती। चलो मैं शर्त रखती हूँ कि तुम भी लाख सर पटको, कयामत तक रहेगी ये फना हो ही नहीं सकती, कयामत तक। जटा जी आइए आइए, बहुत मोहब्बत से सब लोग, पूरा शहर आपको आवाज दे रहा है, याद कर आप जी आ रही है, पानी पीने गई है, आइए जटा साहब तशरीफ ला रहे हैं। देखिए, आप लोग सुनते रहते हो, मेरी कोशिश है कि मैं नया सुनाऊं, और मुझ पर यह भी इल्ज़ाम आता है कि मैं अक्सर आप लोगों की बात करती हूं, मुसलमानों की बात करती हूं। मैंने आप लोगों को नज़दीक से देखा है, समझा है, तो मैंने कहने की कोशिश की। अभी ताज़ा हालात ये भी है कि मक्का मदीना पे बम गिराने की वो आई, और दूसरा फिर कुरान को टैरी ने फाड़ा। तो मैंने एक बात कहने की कोशिश की, बहुत पहले मैंने कटा कहा था, फिर से आप तक पहुँचा दूँ, सुनेगा। जलाने से जलेगी और न फाड़ो तो फना होगी, कयामत तक न होगा काम ये तकमील शैतान का। ये कुरान है कलाम पाक है तू क्या मिटाएगा, ये कुरान है कलाम पाक है तू क्या मिटाएगा, कि इसके वास्ते मिट जाए बच्चा भी मुसलमान का, कि इसके वास्ते मिट जाए बच्चा भी मुसलमान का। और देखिए, मुंबई से आई हूँ, एक गजल आप तक पहुंचा रही हूँ। मुंबई में जहाँ भाषा के बहुत झगड़े होते हैं, वहां मैंने मुंबई भाषा को कि एक बात कहने की कोशिश की, उर्दू के ग्रामर का, रदीफ काफिया का इस्तेमाल करके कहने की कोशिश की कि क्यों सच बात में कहती हूँ कि सोचने का नहीं लड़ना हो तो लड़ जाने का, सोचने का नहीं लड़ना हो तो लड़ जाने का, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का, सोचने का नहीं लड़ना हो तो लड़ जाने का, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का। जब ना जीना तेरे बस में है ना मरना बस में, जब ना जीना तेरे बस में है ना मरना बस में, हक बयानी से भला काय को घबराने का, हक बयानी से भला काय को घबराने का। और तू सिकंदर है कलंदर है बला से मेरी, तू सिकंदर है कलंदर है बला से मेरी, हमसे किबला जरा इज्जत सही बतियाने का, हमसे किबला जरा इज्जत सही बतियाने का। और कब तलक हाथ में पत्थर को लिए घूमोगे, कब तलक हाथ में पत्थर को लिए घूमोगे, पास दुश्मन के कभी फूल भी भिजवाने का, पास दुश्मन के जरा फूल भी भिजवाने का। और खूब पर मार के पहुंचे हो फलक पर फिर भी, खूब पर मार के पहुंचे हो फलक पर फिर भी,
अपनी परवाज पे हरगिज नहीं इतराने का, अपनी परवाज पे हरगिज नहीं इतराने का। देखिए अपनी फितरत बता रही हूँ कि ना बुलाती हूँ किसी को ना मैं जाती हूँ कहीं, ना बुलाती हूँ किसी को ना मैं जाती हूँ कहीं। काम के बाद हया घर में सिमट जाने का, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का। देखिए अभी बहुत खूबसूरत एक नज़्म वहाँ पे आपने सुनी जी, आप उर्दू का गीत सुन चुके, लेकिन क्योंकि बहुत सारे नौजवान या बच्चे मौजूद हैं, और मैं आपको बताऊं कि शायरी के अलावा मैं एक ट्रस्ट भी चलाती हूँ। मैं बुजुर्ग लोगों का वृद्धाश्रमों में जाके मैंने उनका एक दर्द देखा है, और हम लोग सिर्फ यही नहीं कि यहाँ आए और अपना पेमेंट लेके चले जाए, हमें एक पैगाम देना भी एक हमारा फर्ज बनता है अगर ऊपर वाले ने हमें मौका दिया है। मेरे बहुत सारे यहाँ पे नौजवान यहाँ पे लोग मौजूद हैं, और मैंने एक नज्म कहने की कोशिश की है। देखिए इसे एक हिंदुस्तान की बेटी की तरफ से हिंदुस्तान के बेटों के नाम एक पैगाम मानिए। अभी एक खोपोली में बालाजी का आश्रम है जहाँ पे 64 अभी बूढ़े बूढ़ी हैं, और वहाँ पे उनके बच्चों ने 3,000 रुपए महीना देने से उन लोगों ने मना कर दिया। अब देखिए मैं एक नज़्म मैंने कहने की कोशिश की, कलीम साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही, आप उर्दू का गीत बुलबुल का गीत सब सुनते रहते हैं, लेकिन क्योंकि नौजवान पीढ़ी है एक नज़्म सुनाने की कोशिश करी, सुनिएगा। उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूँ मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। बेटियों को मरवा दिया जाता है जन्म से पहले, जबकि आज के दौर में बेटियां माँ बाप की जिम्मेदारी ढंग से निभाती हैं। और ये भी कहना चाहूंगी मैं नौजवान पीढ़ी से कि शादी के बाद अपनी बीवी को सब कुछ समझते हैं, माँ बाप की तोहीन करते हैं, ये जहन में रखें कि हमारे माँ बाप की वजह से आज हम हैं। सुनिएगा कि उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूँ मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। वो बूढ़ी हो गई तो अब उसे एक बोझ लगती है, जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई, जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई, है बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब, है बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब, उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई, उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई। और बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई। और देखिए इस बंद के लिए मैं नज़्म सुना रही हूँ, और ये लानत के तौर पर सुना रही हूँ, आपने देखा भी होगा अपने आसपास का माहौल भी देखा होगा। सुनिएगा कि वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है, वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है, उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई। वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है, उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई। जो जैसा बीज बोता है वो फल वैसा ही पाता है, बुढ़ापा तुझ पे भी आएगा क्यों भूला ये सच्चाई, और तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा। तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा। तू अपने वास्ते हाथों से अपने खोद ना खाई, जो वृद्धाश्रम में बेटा छोड़कर तुझको चला आए, अगर जिंदा रही पूछे कि तुझसे तेरी माँ जाई, बता किसके लिए तूने कमाई थी यहाँ दौलत, बता किसके लिए तूने कमाई थी यहाँ दौलत, मगर जो असल दौलत फर्ज की थी वो तो बिसराई। और खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा एक दिन, तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। आखिरी बंद देखिएगा कि खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा एक दिन, तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। और जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो, जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो, उन्हें बेटी की कीमत अब बुढ़ापे में समझ आई। मैं बेटी हूँ मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई, मैं बेटी हूँ मैं अपनी माँ को। दोस्तों एक दौर खत्म हो जाने दीजिए, आप लता साहिबा से भी सुनिएगा। देखिए इस मुशायरे में एक बड़ी खास बात मुझे ये देखने में आई कि जितनी देर जो शायर पढ़ रहा है आप भरपूर उसे दाद व तहसीन से नवाज रहे हैं। दरमियान में कुछ लोग उठे थे, जाहिर है मेरा ख्याल है कम से कम 1,00,000 का मजमा है। इस मजमे में अगर दरमियान से 100-200 आदमी उठ जाते हैं तो यकीनन उनकी कोई मजबूरियां ऐसी होंगी कि वो बर्दाश्त से बाहर होंगी, जिसकी वजह से वो उठने को मजबूर हुए। लेकिन इतना बड़ा मजमा इस तहजीब के साथ अगर बैठा है तो मुबारकबाद का मुस्तहिक।